तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कंपनी से नहीं निकालूंगी। आज के बाद रोज तुम मुझे देखोगे। शामिर, हाय मीरा। हेलो, प्लीज कम। या श्योर। ये हो क्या रहा है? अमेरिका से आई अमेरिकन कंपनी ने भेजा इनको। तुमसे पूछा मैंने, तो काम करो। ये दोनों तो बहुत ही आगे पहुंच गए और मैं वहीं कहीं रह गया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो तुम हो मिस्टर एसएम जो अमेरिकन कंपनी की तरफ से आया है? जी बिल्कुल। सीरियसली आई कांट बिलीव। बस अमेरिका में पिछले 3 साल से जॉब कर रहा था और मुझे अच्छे तरीके से पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है। बस मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना चाहता। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। इतने सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग, तुम इतने टाइम से मिले क्यों नहीं मुझसे? खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा। कम ऑन शामिर प्लीज। वैसे ये फराज यहाँ क्या कह रहा है? मैं देखा। फराज इस कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट है। उसकी वालिदा की तबीयत भी ठीक नहीं है और बेरोजगारी की वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। ओह। और अगर मैं उसे जॉब ना देती तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि शायद मैंने किसी अपनी रंजिश की वजह से उसे नौकरी पर नहीं रखा। ये लोग ही हैं जो तुम्हारी इंसानियत नहीं देख सकते। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे मुझे भी तुम पर बहुत नाज है। अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करना कोई मामूली बात नहीं है। अरे भाई कहा ना, खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा था। वैसे तुम्हें याद है मैंने कॉलेज के आखिरी दिन तुमसे एक सवाल किया था? हाँ मुझे याद है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उस दिन गुस्से की वजह से मैं तुम्हें ठीक से जवाब भी नहीं दे पाई। तो मेरा तुम अब भी जवाब दे सकते। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। और पसंद ही नहीं, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो भी अभी से नहीं, यूनिवर्सिटी के पहले दिन से। अमीरा हम कहाँ जा रहे हैं? लंच के लिए। आज मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगी। जरूर अमीरा। एक बात पूछूं?
हाँ पूछो। तुम मुझसे शादी कर सकती हो? जी मामा। हेलो मीरा, अब मैं कराची आ रही हूँ तुम्हारी शादी करवाने। जी मामा, आप आ जाएं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अब तो आप मेरी शादी करवा ही दें, और मैंने लड़का भी पसंद कर लिया। थैंक यू, थैंक यू। आप सबने मेरी शादी में जरूर आना, इंशाल्लाह। और आप सबको मेरी तरफ से बोनस दिया जाएगा। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू फराज। कॉलेज के दिनों में तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं शादी करूं तो तुम्हें जरूर बताऊं, तो फाइनली मुझे वो लड़का मिल गया है जो मुझ जैसी मोटी लड़की से शादी करने जा रहा है, शामिर, जो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ। झूठी मोहब्बत, मतलब की मोहब्बत। फराज, तो मेरी शादी में जरूर आना, आओगे ना? मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं, बस इतना समझाना चाहती थी कि कभी भी किसी की जाहिरी जिसामत या शक्ल सूरत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। क्या हासिल हुआ तुम्हें मेरा दिल दुखाकर? देखो, आज मैं अपनी पहचान बना चुकी और तुम अपनी पहचान खत्म कर चुकी। चलें, हमें मेहंदी की तैयारियां करनी है। चलो।